ओके दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले से टॉप 5 ओप्पो के स्मार्टफोन की, जिनकी कीमत दोस्तों आपको 20,000 रुपए से भी कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ओप्पो के स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आते हैं तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिसमें ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन की जिनकी कैमरा क्वालिटी, जिनकी बैटरी और साथ ही जिनकी डिस्प्ले आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को दोस्तों लंबी ना करते हुए शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले स्मार्टफोन से, जो कि दोस्तों हमारा होगा ओप्पो F17 Pro। दोस्तों इनका एफ सीरीज का स्मार्टफोन है, जिसकी कीमत आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की 19,990 रुपए देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट पे इस टाइम देखने को मिल रही है। उसी के साथ दोस्तों, अगर बात करें स्मार्टफोन के कुछ कमाल के स्पेसिफिकेशन की, तो स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही इसके अंदर 4015 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। उसी के साथ आपको इसके अंदर MediaTek का Helio P95 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिससे आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक है, बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन कीमत थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में कोई आपको दिक्कत देने वाला है नहीं। उसी के साथ दोस्तों, स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाएगा बैक में, जिसमें 48 का प्राइमरी सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड है, तो 2-2 मेगापिक्सल के दोनों सेंसर भी हैं, और फ्रंट में आपको डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 16+2 मेगापिक्सल के कैमरे देखने को मिल जाते हैं। तो फोटोग्राफी के मामले में ओप्पो F17 Pro किसी मामले में कम है नहीं, क्योंकि ओप्पो के स्मार्टफोन फोटोग्राफी ही कमाल करते हैं, बाकी दो सोचने वाली बात है ही। उसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि दोस्तों हमारा होगा ओप्पो F19s। दोस्तों ये स्मार्टफोन भी एफ सीरीज का ही स्मार्टफोन है, इसकी कीमत आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की 19,990 रुपए देखने को मिलती है। कीमत दोनों स्मार्टफोन की सेम है, जैसे कि F17 Pro की बात करें, लेकिन दोस्तों स्पेसिफिकेशन में फर्क है। अगर बात करें स्मार्टफोन के कुछ कमाल धमाल स्पेसिफिकेशन की, तो स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon का 662 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ ही इसके अंदर आपको 6.4 इंच की AMOLED डिस्प्ले तो देखने को मिलती ही है, और इसी के साथ दोस्तों 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है, और साथ ही इसमें बैक पे ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप है, जिसमें 48 का है प्राइमरी सेंसर, 2-2 मेगापिक्सल के दोनों सेंसर है, और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। कैमरा क्वालिटी आप सोच रहे होंगे F17 Pro की अच्छी है, लेकिन दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन की फोटोग्राफी लगभग आपको एक जैसी देखने को मिलती है, ज्यादा फर्क आप ढूंढ नहीं सकते डे टू डे परफॉर्मेंस में। अब बात करें दोस्तों अपने तीसरे स्मार्टफोन की, जो कि दोस्तों हमारा होगा ओप्पो A74 5G। जी हाँ दोस्तों, ये एक 5G स्मार्टफोन है, जो कि लेटेस्ट ओप्पो की तरफ से है। इसमें आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। कीमत है 17,990 रुपये। कीमत इसकी थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि स्मार्टफोन 5G बेस्ड है। स्मार्टफोन के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon का 480 चिपसेट दिया गया, जो कि 5G बेस्ड प्रोसेसर है, और इसी के साथ आपको 6.4 इंच की आपको फुल HD प्लस के अंदर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि पंच होल डिजाइन के साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट दे देती है। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में बैक 45 का कैमरा है, तो फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाती है, और इसी के साथ दोस्तों एक 5000 mAh की इसके अंदर बैटरी है। स्पेसिफिकेशन ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी सी और कम होनी चाहिए थी कीमत, लेकिन ओप्पो के स्मार्टफोन कैमरा क्वालिटी के बेस्ड लेकर ही इतनी कीमत अपनी रखते हैं, तो कैमरा क्वालिटी के लिए तो जबरदस्त स्मार्टफोन है ही, 5G बेस्ड तो ऑब्वियसली है ही, तो इसके लिए भी आपको इसके एक लाइक तो बनता ही है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले स्मार्टफोन, जो कि दोस्तों अब हमारा है ओप्पो A53s। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन था 5G बेस्ड, जो कि जब ये लॉन्च हुआ था, लेकिन अब नहीं है। अब स्मार्टफोन की कीमत 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की 15,990 रुपये है, लेकिन दोस्तों जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, स्मार्टफोन की कीमत आपको 13,990 रुपये या फिर ऐसे ही कुछ रखी गई थी। इतनी कीमत इसकी बढ़ा दी गई है, इसलिए स्मार्टफोन अब आपको मार्केट में अंदर नजर आता नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकेशन स्मार्टफोन के अच्छे हैं, और 5G बेस्ड तो ये है ही। ओप्पो का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन यही है। अगर हम बात करें स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर आपको 6.5 इंच की HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही MediaTek का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, जो कि 5G बेस्ड कमाल का प्रोसेसर है। उसी के साथ 5000 mAh की बैटरी है, तो बैक पे आपको ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप भी देखने को मिलता है। प्राइमरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल का, और 2-2 मेगापिक्सल के दोनों सेंसर भी हैं। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। सीधी सी बात है, कैमरा क्वालिटी के हिसाब से स्मार्टफोन की कीमत 13,999 एक अच्छी चॉइस थी, लेकिन कीमत बढ़ाने के बाद शायद ये स्मार्टफोन इतना परचेज नहीं करा जा रहा है। लेकिन ओप्पो के अगर दीवाने हैं, तो आप 5G वाला सस्ता स्मार्टफोन तो स्मार्टफोन की तरफ जाया जा सकता है 15,990 रुपए में। बढ़ते हैं दोस्तों अपने आखिरी स्मार्टफोन की तरफ, दोस्तों हमारा है ओप्पो की एफ सीरीज का स्मार्टफोन ओप्पो F19। दोस्तों स्मार्टफोन की कीमत 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की 19,990 रुपए देखने को मिलती है। कीमत आपको कुछ कुछ स्मार्टफोन की एक जैसी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon का 662 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ ही बैक पे ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप है, प्राइमरी सेंसर 48 का मेगापिक्सल का है, तो 2-2 मेगापिक्सल के दोनों सेंसर भी हैं। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, तो वहीं 6.4 इंच की आपको डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, और 5000 mAh की इसके अंदर बैटरी भी।
भी है। स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन बेसिक हैं, कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है आपको दोस्तों इन पाँचों ही स्मार्टफोन का। आपको दोस्तों कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं, कौन सा स्मार्टफोन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या कौन सा स्मार्टफोन आपने कभी यूज़ करा है या लेना चाह रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी दोस्तों कमेंट जरूर करें। और कौन सी वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती है कमेंट करें, उसी बारे में हम वीडियो आगे बात करेंगे या आगे वीडियो बनाया करेंगे, ताकि आपके जो पसंद आए वही वीडियो इस चैनल पर आती रहे और आपका भी मन लगा रहे। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।